Hi everyone, welcome back to my channel Show Magic Tarot. Today I am going to do a pick-up eye reading. और जो भी यहाँ पे नए बंदे हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सब्सक्रिप्शंस. एंड जो पुराने हैं जो ऑलरेडी मुझे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. जो लोग मेरे चैनल में आते हैं और मेरे वीडियोज़ देखते हैं, those who haven't subscribed to my channel, please subscribe it. And मैं बहुत सारी videos, new different type की videos लेके आऊँगी in future. Okay. So आज का topic है कि आपके जो partner है, जिनके साथ आप current relationship में हैं, वो आपको cheat कर रहे हैं कि नहीं. So यहाँ पर 10 piles हैं. आप 10 piles में से कोई भी एक pile choose कर सकते हैं जो आपको resonate करता है, जो आपको attracted लगता है. So yeah, let's heads up to the reading. Okay guys. सो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम जो भी आपको रेजोनेट करता है. गाइस यहाँ पे बहुत सारे पाइल्स हैं, 10 पाइल्स हैं. आप इन 10 पाइल्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हो करंट रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए. फर्स्ट पाइल इज विद अ ग्रीन स्टोन. सेकेंड वन इज़ द पिंक वन. थर्ड वन इज़ वायलेट. फोर्थ वन इज़ फ्लोरोसेंट स्टोन. फिफ्थ हाई वेलकम बैक पाइल नंबर वन. लेट्स चेक आउट योर रीडिंग. जिन्होंने भी एक ग्रीन स्टोन चूज़ किया था, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. ओके, आपका है स्ट्रेंथ कार्ड गाइस. सो पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. या ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर, आई एम सो सॉरी गाइस, लेट मी एडजस्ट दिस. ओके, सो हमारा क्वेश्चन था जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है कि नहीं. दिस इज़ द लियो कार्ड, मेजर अर्काना कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड. आपका सनसाइन लियो हो सकता है, उनका सनसाइन लियो हो सकता है. सो दिस पर्सन इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू, ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं गाइस. सो आप बेशक हो जाइए, आप देख रहे हो आप ये पिक्चर में कैसे ये लेडी इस लायन को टेम कर रही है. तो आपके सर पे इन्फिनिटी सिंबल है. ओके, हो सकता है आप लियो हो या आपका पार्टनर लियो हो, ठीक है. सो आपके सर पे इन्फिनिटी सिंबल है, मींस आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है, राइट. आप इनको टेम कर चुके हो ऑलरेडी, ही इज़ योर्स, ये आपके हैं, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता आपसे, ठीक है. सो अगर आपको लग रहा है कि आपको चीट कर रहे हैं या आपसे कभी कभी लड़ाइयाँ करते हैं, आपसे बहुत दिन तक बात नहीं करते, तो हो सकता है कोई ईगो प्रॉब्लम हो या थोड़ा सा गुस्सा इनको ज़्यादा आता हो या आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो उन उस पर वर्क करें गाइस, ठीक है. अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या फिर किसी चीज़ पर आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं चल रहा है आपके साथ, तो आप उस पर वर्क करें, ठीक है. आप उस पर काम करें. हाँ, कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपके बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, तो आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, बात करें, डिस्कस करें आप चीज़ों को, रादर देन उसको आगे लेके जाने से अच्छा है आप उनको डिस्कस करें, आप उनको उनसे बात करें एंड एक दूसरे को समझें गाइस, ठीक है. तभी रिश्ते चलते हैं, वैसे रिश्ते नहीं चलते, राइट. सो ये आपको चीट नहीं करें गाइस, ठीक है. इन द प्रेजेंट रिलेशनशिप दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू. वो आपके प्रति बहुत ही लॉयल हैं. अगर वो गुस्सा करते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा झुक जाएं, या वो गुस्सा करते हैं तो आप झुक जाएं, अगर आप गुस्सा करते हैं तो वो झुक जाएं, राइट. वैसे ही रिश्ते चलते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वो आप पे चीट नहीं करें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. If you like this pile, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye guys. Bye.
हे वेलकम बैक फाइल नंबर टू, लेट्स हेड्स अप टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया था, क्या आपके पार्टनर को चीट कर रहे हैं? नहीं, वो चीट नहीं कर रहे आपको गाइस, ठीक है। बट वो अपने मम्मा से बहुत डरते हैं, ठीक है। आपको बहुत, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मेरी हंसी को गलत मत समझिएगा, बट वो अपने मम्मा से बहुत डरते हैं, तो इसी वजह से वो आपके साथ थोड़ा सा ना, यू नो, अगर आपको कॉल करते होंगे, कॉल काट देते होंगे, या अचानक से आपके कॉल काट देते होंगे, या अचानक से यू नो फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देंगे, क्योंकि उनकी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दिस इज़ अ लेडी, एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इज़ अ लेडी, जो उनके घर में जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसी वजह से वो उनकी भी इज्जत करते हैं और आपकी भी इज्जत करते हैं, ठीक है। वो आपको भी दुखी नहीं करना चाहते, उनको भी दुखी नहीं करना चाहते, बट ऑफकोर्स अपनी माँ होती है तो थोड़ा सा सब लोग देखते हैं, तो वो आपके कॉल काट देते होंगे, या आपसे बात नहीं करते होंगे, या स्विच ऑफ कर देते होंगे, आप कंटिन्यू कॉल करते होंगे तो स्विच ऑफ कर देते होंगे, सो इसीलिए मतलब आप थोड़ा पॉजिटिव होंगे, तो वो अपने मम्मा से यू नो वो नहीं, वो अपने मम्मा के गुड बुक से बाहर नहीं आना चाहते, तो इसीलिए। बट वो आपको चीट नहीं करें, इसका मतलब वो आपको चीट नहीं करें, वो एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, तो आप उनको समझे, अगर वो बोल रहे हैं कि फ़ोन रख दीजिए तो फ़ोन रख दीजिए गाइस, ठीक है। सो इसमें ज़िद करने की कोई बात नहीं है, वो आप ही के हैं, वो आपको चीट नहीं करें। सो स्वाजा लाइक लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, आपका सनसाइन हो सकता है, उनका सनसाइन हो सकता है, एंड या दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू। So this is your reading. If you like this pile, please hit up some thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye guys. Bye. Thank hey, you so welcome much. Back. Pile number 3. जिन्होंने भी ये violet stone choose किया. Okay. Let's check out. Is he cheating on you? No, he is not cheating on you. But he feel that he is at a loss. उनको loss feel होता है आपके साथ. Maybe आपके बीच में बहुत झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके बीच में, जो आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। वो आपके लॉसेस की तो देख रहे हैं, जो आपके बीच में रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स है वो उनको तो देख रहे हैं, बट जो पीछे दो कप्स हैं विच इज़ फिल्ड, दे आर नॉट लुकिंग एट दैट। तो जब फाइव ऑफ कप्स आता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, आपका सनसाइन हो सकता है, उनका सनसाइन हो सकता है, एंड वो लॉसेस को देखेंगे, मीन्स वो झगड़ों को ज़्यादा तूल देंगे, वो यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा तूल देंगे, या इम्पोर्टेंस देंगे कि यार ये चीज़ें वर्क नहीं हो रही हमारे बीच में। तो आप दोनों को बैठना है साथ में, कहीं पे भी जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी पार्क में, कहीं पे भी जाइए जहाँ पे आपको थोड़ी शांति मिलती हो, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, ओके, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे बातें क्लियर नहीं हो पाती। मॉल्स में जाते हो, लोग इधर उधर देखते रहते हैं, वो अपनी बात को क्लियर ही नहीं कर पाते, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो आप ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर आपको थोड़ी सी शांति मिले, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, वहाँ बैठे दोनों अपने डिस्कशन करें, ठीक है। ये जो थ्री कप्स जो लॉस हो रहा है, ये कार्ड लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं, बट दिस कार्ड इज़ नॉट नेगेटिव। इसके पीछे जो दो कप्स हैं फिल्ड हैं, वो कोई नहीं देख रहा, सब इसकी ओर देख रहे हैं, ये तीन कप्स गिरे हुए हैं, नो। सो जहाँ पे वर्कआउट नहीं करी चीज़ है, वहाँ को वर्कआउट करना पड़ता है। वहाँ पे चीट नहीं करे, बट उनको कुछ लॉसेस लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो शक करते होंगे, या फिर आपके बीच में बन नहीं रही होगी, तो उन चीज़ों को डिस्कस करें और फिर आगे बढ़ें, राइट। सो फाइव ऑफ कप्स, अगर आपकी बात नहीं हो रही तो आपकी बात हो जाएगी, अगर आप डिस्कस करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप चलेगा गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, प्लीज़ हिट्स अप अ थम्स अप ऑन माय वीडियो इफ़ यू लाइक दिस पाइल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 4। जिन्होंने भी ये फ्लोरेसेंट स्टोन चूज़ किया था, ये स्टोन मुझे बहुत पसंद है गाइस, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा एक टॉप खरीदूँ इस कलर का। मुझे बहुत पसंद है ये कलर। ओके, एनी विच वेज, आपकी कार्ड की ओर चलते हैं। क्या वो आपको चीट करें? नो नो नो, नेवर एंड एवर। वो आपको कभी चीट करने का सोच ही नहीं सकते, बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड इट इज़ लाइक यू नो यू आर देयर वर्ल्ड, आप उनके वर्ल्ड हो, आप उनकी दुनिया हो, पूरी दुनिया। अगर आप देख सकते हैं उनके दोनों हाथों में, इस लेडी के दोनों हाथों में
यू नो एक स्क्रोल है, वो आपको एक लेटर भेजना चाहते हैं, वो आपको बहुत सारे मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, वो आपको एक यू नो स्क्रोल के थ्रू, हो सकता है वो आपको एक बॉटल में एक स्क्रोल डाल के भेजें, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा अच्छा फील होगा, उसमें एक मैसेज हो आपके लिए दैट दे लव यू अ लॉट, ओके। एंड इसमें और भी सन साइंस हैं, वर्ल्ड कार्ड इसलिए कोई भी सन साइन हो सकता है, तो बेसिकली लियो, टॉरस, ठीक है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये सब सन साइन हो सकते हैं, बट द वर्ल्ड कार्ड इज लाइक ऑल द सन साइंस आर हियर, तो सारे सन साइंस इसमें हैं, तो सन साइंस डजंट मैटर, बट योर पर्सन इज नॉट चीटिंग ऑन यू बिकॉज वो आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि वो एक साइकिल से गुजर रहे हों, पास रिलेशनशिप से जस्ट निकले और आपसे मिले, एंड आपके साथ यू नो एक बॉन्ड बन रहा है उनका धीरे धीरे, तो वो पास रिलेशनशिप को भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट फॉर एवरी वन, विच एवर रेजनेट्स यू कैन पिक दैट अप, एंड विच डजंट रेजनेट जस्ट लीव इट, ओके। जब रेजनेट नहीं कर रहा हो वो चीज़ आपसे, तो आप उसको लीव कर सकते हैं, जो रेजनेट कर रहा है उसको पिक कीजिए कार्ड में, एंड वो आपको अपना दुनिया मानते हैं, वो आपके साथ वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो आपको कभी चीट नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ये आपको आपके लिए सब कुछ करेंगे ये, ओके। इफ ये शादी तक पहुँचेगा, ये मैरिज तक पहुँचेगा, वैसे तो पहुँचेगा, तो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपको अपना दुनिया मानते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस फाइल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय, सी यू, हाय, वेलकम बैक फाइल नंबर 5। जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज़ किया, ओके, लेट्स चेक आउट क्या वो आपको चीट कर रहे हैं। नो, वो आपको चीट नहीं करे गाइस, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, नो दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक यू नो वो वेट कर रहे हैं करेक्ट टाइम का आपको कांटेक्ट करने के लिए। मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो आप, या आपकी बातचीत नहीं हो रही आपके पर्सन से, बट वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं कि वो आपको कब कॉन्टैक्ट करें, आप यू नो कहीं उससे गुस्सा ना हो जाए बहुत जल्दी, ठीक है। अगर वो आपको बोलेंगे कि यार यू नो मुझे माफ़ कर दो या सॉरी अपोलोजाइज एंड ऑल दैट, तो वो वेट करें करेक्ट टाइम को, वो डेफिनेटली आपके पास आने चाहते हैं, और वो अपने पेंटिकल्स पे भी यू नो देख रहे हैं, इन द सेंस कि अपने काम पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे वो, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वो करेक्ट टाइम पे आपको आएंगे और आपको बताएंगे, सॉरी बोलेंगे अगर आपके बीच में कोई टिफ है, लड़ाई है, झगड़ा है। सो दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, वो आप पे चीट नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, प्लीज हिट अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय गाइस। हाय पाइल नंबर 6, मैं भूल जाती हूँ, जब बहुत सारे पाइल्स होते हैं, 10-15 पाइल्स होते हैं, 10 पाइल्स होते हैं, मैं भूल जाती हूँ कौन सा वाला है। दिस इज पाइल नंबर 6, जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज किया, लेट्स सी आपके, ओ माय गॉड, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये आपके सोलमेट है, ये आपको कभी चीट नहीं कर सकते गाइस। ट्विन फ्लेम्स में होता है कि इन एंड आउट रहता है रिलेशनशिप, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, विच यू डोंट लाइक, यू नो एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता, आ रहा है बंदा फिर भाग रहा है, फिर गुस्सा होकर चला जा रहा है, फिर एक महीने दो महीने बाद आ रहा है, तो वो आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा चाहिए भी नहीं, ओके। योर्स इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, टू ऑफ कप्स इज लाइक लवर्स, डिवाइन कनेक्शन, भगवान ने बना के भेजा है, पार्टनरशिप में हो सकते हो आप दोनों, बिजनेस एक ही बिजनेस वेंचर में काम कर रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक ही साथ में एक प्रोजेक्ट में काम करते हो, आप सोलमेट्स हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, अगर कोई कोशिश भी करेगा तो वो कर नहीं पाएगा, भगवान जी उसको ही रास्ते से हटा देंगे रास्ते से हटा देंगे, इन द सेंस कि उसको दूसरी दिशा दिखा देंगे, इन द सेंस कि वो दूसरी दिशा में चला जाएगा आप पे कॉन्सेंट्रेट ना करके, तो आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। योर्स इज अ सोलमेट कनेक्शन, सो आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, नो, ही कैन नेवर चीट यू, सोलमेट्स कैन नेवर चीट यू, ओके, दे आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स देयर पार्टनर, वो हमेशा लॉयल रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत अपना मानते हैं उनको, सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है, अब वो आपके लिए सैक्रिफाइस तो क्या सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग, सो दिस इज़ लाइक आपको वो चीट नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट रिलेशनशिप पे, ओके। सो
सो खुश हो जाइए बहुत ज़्यादा. मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए. आई लव दिस पाई. सो प्लीज़ हिट अप अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाय गाइज. हाई वेलकम बैक. आई एम सो सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया. हाय पाइल नंबर 7 जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया. इज ही चीटिंग ऑन यू द फूल कार्ड? नो ही इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू, बट वो थोड़ा सा केयर फ्री है आपकी तरफ. इन द सेंस के केयर फ्री का मतलब होता है कि थोड़े केयरलेस. ठीक है, वो क्लिफ पे खड़े हैं, उनको पता है वो गिर जाएंगे, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, थोड़े से केयरलेस हैं वो आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, वो इफ़ यू कैन सी दिस डॉग, वो उनको बार बार यू नो बाग करके यू नो भौंक के उनको बोल रहे हैं कि देखो आगे क्लिफ है, आप गिर जाओगे, लेकिन वो ऐसे ही चले जा रहे हैं. तो थोड़े से केयर फ्री हैं वो आपके रिश्ते को लेके. तो वो धीरे धीरे टाइम से यू नो आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लरिश करेगा. स्टार्टिंग में होता है कि थोड़ा सा मतलब जो भी आपका पार्टनर होता है वो थोड़ा केयर फ्री रहता है कि हाँ रिलेशनशिप है, इट्स ओके फाइन, चल रहा है जैसे चल रहा है. राइट, उसमें बहुत सारी चीज़ें पुट इन करनी पड़ती, प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एवरीथिंग. जब आप ये सारी चीज़ें, ट्रस्ट, सब कुछ चीज़ें आप डालोगे यू नो दोनों मिलके, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स. एक ही बंदा एफर्ट डालता रहेगा तो वो रिश्ते कभी चलेंगे नहीं. ठीक है, तो दोनों को ही एक साथ मिलके करना है. अगर ये लड़का वॉच कर रहा है तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो थोड़ा सा यू नो अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और उनको उतना इम्पोर्टेंस दें. वो अगर कॉल करे तो आप उनके कॉल्स पिक करें, अगर वो आपको मैसेज करे तो आप उनके मैसेज का जवाब दें, अगर वो रोमांटिक होना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर दें. राइट, तो या सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है. ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े केयर फ्री हैं. सो डरिए मत कि केयर फ्री है यार, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, देगा, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों के लिए. सो इफ़ यू लाइक दिस पाई प्लीज़ हिट अप अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाई गाइज. हाई वेलकम बैक. पाई नंबर 9 जिन्होंने भी ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, लेट्स चेक आउट. Are they cheating on you? No, they are not cheating on you. They are watching you. Page of Swords is all about, pages are all about कि वो आपको आपके social media पर check रखते हैं continuously. ठीक है, वो आपको देखते रहते हैं. अगर आप videos बनाते हैं या आप you know Instagram में कुछ करते हैं, आप TikTok पर कुछ करते हैं, आप अगर YouTube में कुछ काम करते हैं या अपनी videos बनाते हैं, आप beauty की चीज़ें करते हैं, यू नो मेकअप चैनल है आपका या कुछ भी है, समथिंग विच इज़ यू नो आप करते हो, वो आप पे बहुत टैब्स रखे हुए हैं, आपको देखते रहते हैं वो कि आप क्या क्या कर रहे हो. ओके, वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं गाइस. अगर ये आपका क्रश भी हो सकता है, अगर आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो आपका क्रश है, कि हाँ मे बी दे आर अ क्रश ऑफ यू नो, वो आप पे क्रशिंग कर रहे हैं, आप उन पे क्रशिंग कर रहे हैं, बट आप अपना काम कर रहे हैं. सो पेजेस आर ऑल अबाउट यू नो वॉचिंग यू, वो आपको देखते रहते हैं. मे बी आप हो सकता है आप लाइव स्ट्रीम्स करते हो तो वो आपको लाइव स्ट्रीम्स में आपको चेक करते हो, आप टैप्स रखते हो, आपसे दूसरी आईडी से बात करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो आपका प्रेजेंट जो, अगर आप इस इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको टैब्स रखे हुए हैं, मीन्स आपके फेसबुक पे, आपके दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे वो आपको देखते रहते हैं. अगर वो घर के पास रहते हैं तो वो आपके घर के पास रहते तो वो आपको देखते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो. यू नो इट इज़ लाइक दैट, सो स्वीट रिलेशनशिप. यू नो आई लव पेजेस बिकॉज जब कोई आपको स्टॉक करता है, आपको स्पाई करता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि माई गुडनेस समबडी इज स्टॉकिंग मी, समबडी इज यू नो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में चेक रखता है, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, अच्छा सा फील होता है. यू नो कोई तो आप पे क्रश कर रहा है. सो या अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप पे हैं तो ये आपको चीट नहीं करें, ये बस आप पे टैब्स रख रहे हैं, आपको चेक रख रहे हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते. सो दिस इज योर रीडिंग. प्लीज हिट अप अ थम्स अप ऑन माय वीडियो इफ यू लाइक दिस पाइल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. बाय. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 9 जिन्होंने भी एक ग्रीन स्टोन चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सो जिन्होंने भी ये चूज किया है, हार दे
चीटिंग ऑन यू? नो, वो काम में बहुत बिजी हैं, वो बहुत वो आई थिंक वो बहुत पैसे हैं उनके पास या बहुत वेल्दी हैं, ठीक है, तो वो चैरिटी करने में लगे हुए हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये ना सोचें कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे या फिर वो पुअर पीपल की मदद करते होंगे, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी हेल्प करते होंगे, तो हो सकता है कि वो बहुत बिजी हों और आपको थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हूँ, तो आप उनको, अगर वो आपको कॉल नहीं कर पाते आप कॉल कर लीजिए, अगर वो आपका कॉल नहीं पिक करते तो आप मैसेज डाल के उनको बोल दीजिए स्पेशली कि प्लीज़ मुझे कॉल कर लें, मुझसे बात कर लें, ओके। सो इसमें कोई ईगो वीगो लाने की ज़रूरत नहीं है, प्यार में कभी ईगो और ये सब नौटंकी ड्रामा एंड क्रैप बुलशिट नहीं होता, प्यार में हमेशा एक साथ मिलके चलना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ता है। तो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, ये एक लीगल सिस्टम में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में यू नो ये है जिसे हम यू नो इट्स लाइक तोलते हैं चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है जस्टिस सिस्टम में काम करते हो, वो बहुत बिजी रहते हो, जज हो, लॉयर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, जो ब्लाइंड स्कूल्स में काम करते हैं वहाँ पे लोग बिजी रहते हैं क्योंकि उनको खाना देना होता है टाइम से, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आप समझे चीज़ों को, वो आप पे चीट नहीं करें, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हिट सब थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय। हे वेलकम बैक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रेड स्टोन, जिन्होंने भी ये रेड स्टोन चूज़ किया था, लेट्स चेक आउट आपको चीट कर रहे हैं कि नहीं करें। आई एम सो सॉरी गाइस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिस इज़ द लास्ट पाइल विच आई गॉट, जिन पे यू नो आपको थोड़ा सा यू नो देख दाख के चलना पड़ेगा, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप पे हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, यू नो दिस कार्ड इज All about seven of cups is like Scorpio, Cancer, Pisces. इनके पास बहुत options हैं, they have lot of options. So I would not suggest, मैं नहीं बोलूँगी कि आप इनके साथ you know relationship में you know आप आ सकते हैं, but आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी red flags या कोई भी signs दिखे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं या वो आपसे छुपा रहे हैं आपका phone, आप जब मांगे तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं दिखा सकता या something like that, तो आप समझ जाइए कुछ भी यू नो दी साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो बंदा आप से साथ यू नो रिलेशनशिप में ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप में ना रहें, इनके पास बहुत ऑप्शंस है गाइस, सो आई एम रियली रियली सॉरी टू से दैट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है दिस इज़ नॉट अ गुड गाई फॉर यू, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनके साथ ना रहें, अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि ये बंदा किसी और से बातें कर रहा है, ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपके फ़ोन पिक नहीं करता है, आपको कुछ भी नहीं समझता, आपको गालियाँ देता है, आपको बदतमीज़ी करता है, आपको अब्यूज़ करता है या आपको कुछ समझता नहीं है, तो डेफिनेटली आप यू शुड गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपको चीट कर सकता है, 110% चीट कर सकता है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इस कार्ड्स पे मत जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप खुद से एनालाइज़ कीजिएगा, आप खुद से एनालाइज़ कीजिएगा कि ये बंदा आपको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द सेम, एंड इफ़ यू लाइक दिस पाइल प्लीज़ हिट सब थम्स अप इन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच, दूसरे वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय गाइज, आई लव यू ऑल, बाय।